स्मार्ट साउंड नन्हे वैज्ञानिक के बढ़ते कदम। जिला महेंद्रगढ़ के गांव दोगली में रहने वाले एक किसान के नन्हे बच्चे ने स्कूल जाने के लिए बना ली सोलर पावर से चलने वाली बाइक। जी हां, इस बच्चे का नाम अवनीत कुमार है, उम्र 13 साल और पिता एक किसान है। जब हमारे चैनल के संवाददाता ने इस बच्चे से पूछा कि सोलर बाइक बनाने का विचार आपको कब और कैसे आया, तो बच्चे का जवाब चौंकाने वाला था। बच्चे अवनीत का जवाब था कि मुझे घर से स्कूल के लिए 3 किलोमीटर जाना आना पड़ता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक कम खर्चे वाली बिना ईंधन की बाइक बना लूं, और बस हो गई बाइक की तैयारी। अवनीत अब तक राष्ट्रीय स्तर तक की साइंस प्रतियोगिता में भाग ले चुका है और अब आने वाली 28 मार्च को जापान में होने वाली एशियन की साइंस प्रतियोगिता में हेतु मीटिंग है। इस 3 पहिए की बाइक में सिर्फ इतना ही नहीं, बाइक की खास बात बाइक की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाइक में चलते हुए नींद आने पर बजर वाला अलार्म सिस्टम लगा है। मोबाइल चार्ज करने हेतु चार्जिंग सिस्टम भी लगा है। बाइक को बिना हाथों का व्यक्ति भी अपने पैरों से आसानी से चला सकता है। बच्चे अवनीत कुमार ने बताया कि इस कार्य में उसके पिताजी ने उसकी बड़ी मदद की है और हर आवश्यकता की सामग्री ला ला कर उन्होंने मेरी पूरी मदद की है। सरकार ने इस बच्चे की हौसला अफजाई तो की, परंतु उच्च शिक्षा व मदद से अभी तक महरूम है। तो मदद आप किस प्रकार से पूरी कर पाते हैं? मदद जी खेती से ही करता हूँ, और बाकी अगर क्या आप खेती में इतना कमा लेते हैं कि इनकी आवश्यकता की चीजें आप आगे तक पूरी कर पाएंगे? अगर नहीं होगी तो मैं मेरी चाहे प्रॉपर्टी या जमीन बेचनी पड़ जाओ, मैं आवश्यकता पूरी करूंगा सर। लेकिन बच्चे को आप कामयाब करना चाहते हैं? हाँ, कामयाब करूंगा। क्या अभी तक सरकार से आपको कोई मदद मिली? नहीं जी, कोई जैसे आश्वासन तो देते हैं, वैसे टरका के रह गए। आश्वासन मिला है? हाँ जी, चक्कर काटा। सहायता नहीं मिली? सहायता बिल्कुल नहीं मिली जी, चक्कर जैसे 5-5, 4-4 दिन चक्कर काटने पर तो मिलते हैं, मिलने के बाद में वह फिर कह देते हैं भाई देंगे 5-4 दिन में, 10 दिन में दिवा देंगे, फिर बाकी नहीं। आपने जो सोलर बाइक बनाई उसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? जब मैं स्कूल में जाता था, मेरी कमानी स्कूल मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है स्कूल, तो मैं वहाँ जाने में मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो मैंने सोचा कोई ना कोई ऐसा एक तरीका निकालूं जिससे मैं आसानी से स्कूल आ जा सकूं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक सोलर बाइक बनाऊं जो कम लागत में बने और अच्छी तरह से मुझे वहाँ ले के जा सके और वापस आ सके। इस सोलर साइकिल की खूबियाँ है जैसे कि नंबर एक, इसमें नींद आने पर अलार्म बजता है और इसमें कोई भी मोबाइल चार्ज किया जा सकता है, और इसे विकलांग बच्चे और बुजुर्ग बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, और इसकी भी सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसे वो व्यक्ति भी हैंडल कर सकता है जिसके हाथ नहीं है, पैरों से भी हैंडल हो सकती है सर।